गाना कब सीखूंगा यार। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshinger Round and let's get this video started. आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम है प्रणव। मैं यहाँ आयरलैंड में ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले, 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनी इन आयरलैंड। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा है और एक ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में छोटी से छोटी बनाऊंगा ताकि आपको एक क्लियर ग्लिम्स दे दूँ कि एग्जैक्टली आयरलैंड है कैसा। इंडिया में तो सोच के आते हैं, इंडिया, एशिया या वर्ल्ड में कहाँ से भी अगर आप मुझे देख रहे हो तो हम सोच के आते हैं कि ओके आयरलैंड की ये पर्सपेक्टिव्स हैं, शायद आयरलैंड बहुत ही जबरदस्त होगा। बट उसी के साथ साथ और क्या क्या रियलिटीज हैं जो मैंने फेस करी है, मेरे दोस्तों ने फेस करी है और मैंने लोगों से भी सुनी है कि अच्छा भाई तू भी ऐसा ही फेस कर रहा है। तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1 आता है कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, कोर्स जो आप करने आ रहे हो उसकी सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से सच्ची में बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा कोर्स मत उठा के यहाँ पे कर लेना जिसकी आगे कोई वैल्यू ही नहीं है या आगे कुछ उसके प्रोस्पेक्टिव ही नहीं है कि यार इसके बाद मुझे अच्छी खासी जॉब वॉब एंड सब कुछ मिल जाएगी। जैसे मैं और वीडियोज में भी बोलता हूँ कि यहाँ आयरलैंड में 3 मेजर स्ट्रीम्स है जो मैंने देखा कि हाँ यार जो जो बंदे इन 3 मेजर स्ट्रीम्स में है वो सुपर छाप रहे और अच्छी खासी जॉब भी उनको सही टाइम पे मिल जाती है। सबसे पहली फील्ड है वो है आईटी। ठीक है, अब आईटी इज बूमिंग इन आयरलैंड। ठीक है, मुझे किसी ने उस दिन बताया कि भाई डू यू नो कि आयरलैंड को सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब आई नो बूमिंग तो कर रही है बट ऐसा भी बोलने लग गए लोग। तो उस वे में आई जस्ट फील कि आईटी का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। इफ यू आर कमिंग फॉर आईटी कोर्सेज एंड एनीथिंग, आई थिंक आईटी का तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज्यादा स्कोप है। फील्ड्स में यहाँ पे आर वेरी गुड हाई पेइंग जॉब एंड उसके ऊपर इफ यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल तो इट इज वेरी गुड टू गो। अदर देन दैट आई फील लाइक बिजनेस इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, बिजनेस में भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं बिजनेस की, वो भी आपको रिसर्च करके आनी चाहिए कि वॉट एग्जैक्टली आर दोज फील्ड जिसमें हमें बिजनेस के कोर्सेज करने चाहिए। क्या सारे कोर्सेज बिजनेस में आगे बढ़ते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे में लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस पढ़ने भी आए हैं एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग और दे आर डूइंग समवेयर और दी अदर जॉब रादर देन व्हाट दे थॉट कि आयरलैंड जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। और थर्ड मुझे जो लगता है वो है मेडिकल फील्ड, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स तो आपको पता है वो हमारी जान बचाते हैं। उसमें मैं आई जस्ट फील है कि द मेडिकल इंडस्ट्री ऑफ आयरलैंड इज ऑल्सो वेरी गुड इन द सेंस कि उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ये 3 तो यहाँ की मेजर स्ट्रीम्स हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि इन 3 पे ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और जो बाकी कोर्सेज हैं और जो बाकी चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए आयरलैंड से, ऐसा नहीं है। बट देर इज अ क्रिटिकल स्किल, जो क्रिटिकल स्किल बेसिकली यहाँ पे होता है, अगर आप उसके अंदर लाए करते हो देन यू गेट अ जॉब वीजा टू वर्क हियर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप वो पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे पढ़ के देखना, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखना कि वॉट एग्जैक्टली दे नीड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड इफ यू थिंक यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उस फील्ड में या यू फील कि अच्छा अगर मैं ये कोर्स करता हूँ उसके बाद आई कैन इंडल्ज इनटू दिस बिकॉज आई हैव सीन कि ये इंडस्ट्री इन आयरलैंड में इज बूमिंग, देन डेफिनेटली अपना कोर्स सिलेक्शन सोच समझ के करना। मैंने अपना कोर्स पब्लिक रिलेशन किया था। ठीक है, मैं उस टाइम पे आई वॉज जस्ट अ फ्रेशर एंड मुझे लगा था कि पब्लिक रिलेशन मेरा सबसे पहला थॉट, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ वीडियोज में, मेरा सबसे पहला कोर्स मैंने यहाँ पे इसलिए किया था जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ इंडिया। एंड मैं अपने खानदान में पहला बंदा हूँ जो बाहर गया था, तो मैंने भी ज्यादा सोच के नहीं गया था। मैं कहा चल ठीक है बस बाहर जाना है, आयरलैंड में मुझे कोर्स मिल रहा है दैट इज वेरी गुड। बट जब मैं यहाँ आयरलैंड में आया, मैंने वो कोर्स किया पीआर का, उसके बाद मुझे लगा शायद इतने प्रोस्पेक्टिव है नहीं उस कोर्स के जितना मैं सोच के आया था। फील्ड सिलेक्शन, द कोर्स सिलेक्शन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना रादर देन द माइंड सेट जो मेरा था कि बस बाहर जाना है, आयरलैंड में मिल रहा है 1 साल की मास्टर, 2 साल का स्टे बैक मिलेगा, वो उसको इतना फोकस मत करना। सबसे पहले देखना कि पढ़ना क्या है, जो क्रिटिकल स्किल की लिस्ट है नीचे वो चेक करना एंड उसके बाद अपना एक प्लान आउट करना कि ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव इन नेक्स्ट 3 to 4 years। और अगर वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, जो कि परफेक्ट कभी बार नहीं भी जाता, ऊपर नीचे आता, बट इफ यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ कि ओके दिस इज व्हाट आई थॉट आई विल रीड, दिस इज व्हाट आई विल स्टडी, दिस इज व्हाट आई विल वर्क, देन इट इज वेरी गुड टू गो। तो सेकंड पॉइंट आता है वो है स्टडी इन आयरलैंड, कि आयरलैंड की स्टडी कैसी है, क्या ये बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर बैक टू इंडिया। तो जिसमें मुझे लगता है कि इफ यू गाइज आर कमिंग फॉर मास्टर्स देन यू नीड टू बी रेडी कि यार पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आयरलैंड में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया, जो पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वो तो होते हैं एंड ऑफ द सेमेस्टर में जाके, बट लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे जो होते हैं वो असाइनमेंट बेस पे होते हैं। अब कॉलेजेस में मैं क्या करता था, या जितने भी मेरे दोस्त यार जितने भी बैक इन इंडिया में करते थे, लाइक कि हाँ एंड डे पे जाके सारी असाइनमेंट टेप दी, कर दिया, लिख दिया और ये सब करके पास कैसे ना कैसे हो जाते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि वैसा सिनेरियो यहाँ पे आयरलैंड में है, दे टेक इट वेरी सीरियसली। ऑन टॉप ऑफ दैट जो यहाँ पे थीसिस होती है,
ठीक है, थीसिस लिखना है, जो एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें यू हैव टू राइट 1,000, 5,000, 6,000 वर्ड्स के ऐसे 5-6 असाइनमेंट्स होती है जिसमें लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, क्योंकि साइड साइड अगर यू आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब तो उनको लगता है कि यार सारी चीज़ें नहीं हो रही। गूगल से देखते हैं, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि थीसिस कैसे लिखते हैं, हाउ टू एग्जैक्टली राइट अ पेपर। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज यहाँ पे प्लेगरिज्म का जो चीज़ है, दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन इंडिया जब मुझे पता नहीं था, जबकि ऐसी प्लेगरिज्म भी कोई चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें भी होती है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी न्यू टू दिस थिंग ऑफ स्टडीज। तो उस टाइम पर जब मैंने अपना पूरा रिपोर्ट इंडिया में एक टाइम पर बनाया था, तो मेरा प्लेगरिज्म रिपोर्ट आया था 44%, एंड 44% के बाद आई वॉज लाइक ओके 44% आ गया, अब मैं क्या करूँ। लाइक आई ऑलवेज थॉट कि गूगल से इन्फॉर्मेशन आती है, वहीं से लिख लेना है, और लिखने के बाद उसके लिंक को वो साइटेशन करके लिख देंगे तो इट वुड बी गुड। बट इंडिया में द टीचर्स वर रियली गुड, दे वर लाइक प्रणव देखो यार लास्ट सेमेस्टर है, आई डोंट वांट यू गाइस टू फेल, तो मैं पास कर रही हूँ वैसा टाइप का, तो यू कैन बी पास। लाइक ओके कूल हो गया, मतलब चिल हो गया। बट यहाँ पे उन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, इनके पोर्टल्स होते हैं, तो जब भी आप कोई भी अपना वर्क होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, कोई थीसिस हो गई, व्हेनेवर यू सबमिट, तो वहां पे प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आया थी कि कितना बड़ा प्लेग है। तो उसके लिए कुछ कुछ ऐप्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जैसे ग्रामरली होती है, ग्रामरली जरूर ले लेना, क्विलबोल्ट होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विलबोल्ट थोड़ा पैराफ्रेज कर देती है, ग्रामरली आपको आपको बता देगी कि अच्छा कितना ज्यादा प्लेग है। ये सारी चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपने टाइम पे नहीं पता थी, जब हम यहाँ पे थे हम यहाँ पे लिख देते थे और पूरा कर देते थे। मेरे में प्लेगरिज्म आया था, मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पे बताया था, फिर देन उसको मैंने और ज्यादा शॉर्टन किया था और ज्यादा समझा था, बट वो अलग बात है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हैं, दे हेल्प यू आउट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली करना कैसे है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात आती है चीटिंग एंड ऑल की, यार चलो चीटिंग मार लेंगे, जैसे कॉलेज में मार लिया करते थे, पीछे मुड़ के बोलते थे हाँ भाई आंसर क्या है, उससे पूछ के ऐसे लिख देते थे, तो उसका तो बिल्कुल स्कोप नहीं है यहाँ पे, दे आर रियली स्ट्रिक्ट ऑन दैट। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, जो कि मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि अपना पहला माइंडसेट हमेशा क्लियर रखना कि मेरा गोल क्या है, यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन जब आपकी हो जाएगी कि ओके दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स, जो मुझे अच्छे से अचीव करना है, साइड बाय साइड स्टडी माइंडसेट से भी आना कि अच्छा पढ़ना है, ठीक है देखो एंजॉय करना तो है, वो तो मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक स्टडी पर्पस इज मेन, क्योंकि दैट इज द मेन फोकस, दैट इज वाई यू गाइज आर कमिंग टू आयरलैंड। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आती है पार्ट टाइम जॉब। अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, वो अंदर से सोच के आते हैं कि अच्छा बाहर जाएंगे अपना खर्चा निकालने के लिए, हमें पार्ट टाइम करनी चाहिए, पार्ट टाइम से हम अपना जितना लोन हमने ले रखा है टेकिंग लोन या आने से पहले उसको रीपे करेंगे, उसके साइड बाय साइड जो घर का भी खर्चा रेंट है वो भी हम निकाल लेंगे, तो रेंट भी निकल जाएगा, अपना लोन भी निकाल लेंगे पार्ट टाइम के भी, क्योंकि हमने सुना है, हमने लिटरली सुना है कि हमारा जो फ्रेंड है कनाडा में या हमारा जो फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता है यार हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके चक्कर में हम सारे पे आउट कर देते हैं। बट आई फील लाइक दैट इज नॉट ट्रू इन आयरलैंड, ठीक है, आई हैव पर्सनली फेस दिस, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स फेसिंग इट। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब आप एक स्टूडेंट है, मतलब यू आर गोइंग टू द कॉलेज एज वेल, उसके साथ साथ आप शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड होता है एक हफ्ते में काम करने के लिए। वो अलग बात है कि आपने कोई जुगाड़ निकाल लिया, क्योंकि जुगाड़ पे हम बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कई बार, तो दैट्स अ डिफरेंट फेज। बट अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं, तो 20 आवर्स में आप जितना भी हफ्ते में कमाते हैं, महीने में कमाते हैं, लेट्स से जब आपकी समर ब्रेक्स होती हैं, विंटर ब्रेक्स होती है, जिसमें यू आर नॉट गोइंग टू द कॉलेज, उस टाइम पे आप 40 आवर्स भी कर सकते हैं। बट आई स्टिल फील द बेसिक रेट जो यहाँ पे होता है वो 10 यूरो होता है, कहीं कहीं 11 होता है, कहीं 12 होता है, इतने बेसिक रेट के हिसाब से आपका जो भी इनकम बनती है उस पे रेंट निकालना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि यार अगर मैंने इतना पैसा पूरा कमा के रेंट में ही दे दिया, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। बट अब उस मेंटालिटी से मत बैठना कि यार हमने तो सोचा है, मम्मी पापा को भी मैंने बोल दिया कि पार्ट टाइम करने के साथ साथ मैं लोन भी किश्तें भी चुकाता रहूंगा और उसके साथ साथ मैं अपना रेंट भी निकालता रहूंगा, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। मैक्सिमम यू कैन डू इज लाइक अपना रेंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, बट इफ यू आर गोइंग फॉर द लोन रीपेमेंट, आई वुड जेन्युइनली से कि जस्ट वेट फॉर अ जॉब टू हैपन, कि एक जॉब फुल टाइम लग जाए, क्योंकि जब फुल टाइम जॉब लग जाती है तब यू रियलाइज कि ओके आई एम सेविंग दिस मच एज वेल, क्योंकि सेविंग होती है आयरलैंड में, ठीक है, सेविंग होती है, बाकी आपके ऊपर आप कितने खर्चीले हो। बस इस माइंड को हमेशा से क्लियर रखना कि ठीक है जो वेरी फर्स्ट ईयर है जिसमें मैं वहां पे जा रहा हूँ, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी सो मच इन टू वर्किंग जस्ट टू रीपे बैक थिंग्स, एक साल का है, एक साल अच्छे से मेहनत करो, जो मेहनत कर लोगे जॉब क्रैक करो। और जॉब के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये सब पार्ट टाइम हो गए, पार्ट टाइम तो ढूंढनी और ये सब करना, तो हम पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम में एशिया से लोग बहुत ज्यादा कम होते थे, ठीक है, तो मुझे रियली बहुत ही एशिया से कम लोग दिखते थे, मोस्टली आयरिश दिखते थे, यूरोपियन दिखते थे, अब तो मुझे हर जगह सारे एशियन दिखते हैं, और भाई तू कैसा है, ऐसा वाला थोड़ा सिनेरियो हो रखा है। तो उस चक्कर में पार्ट टाइम भी थोड़ी बहुत लो होने लग गई, कि लोग पार्ट टाइम्स भी नहीं मिल रही, तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते कि भाई क्या करें, पार्ट टाइम भी नहीं है, ये नहीं है, तो उसका बहुत सिंपल सा वे है, जैसे indeed.com है, ठीक है, indeed पे भी लोगों ने ढूंढी है, उनको मिली है।
आई डोंट पर्सनली बिलीव इट, क्योंकि मैंने जब जब इंडीड से ढूंढी है या लिंक्डइन से ढूंढी है, मुझे कभी नहीं मिली है और ना मुझे कभी रिस्पॉन्स आया. व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड मेरे और फ्रेंड्स ने भी करा है, हम पर्सनली जाते थे, सीवीज पकड़ा के आते थे कि दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस और ये समथिंग वमथिंग, और उसके बेसिस पे हमें मिलती है सीवी. जब आप ऐसे पार्ट टाइम की बनाते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है एक फैक्टर आपको अपनी सीवी में इंक्लूड करना जरूर चाहिए, वो होना चाहिए आपकी अवेलेबिलिटी. जब अपनी अवेलेबिलिटी ऊपर लिखते हो वो हमेशा मतलब टॉप पे लिख देना आपके नाम के नीचे कि आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस टू दिस ऐसे करके, क्योंकि व्हेनेवर अ गाय रीड्स योर नेम एंड देयर लाइक ओके ये बंदा इस टाइम पे अवेलेबल है, तो अपने स्केड्यूल के हिसाब से आपको कभी भी चिप इन मतलब घुसा सकता है कि ओके इस टाइम पे आप काम कर सकते हो बिकॉज यू सेड यू आर अवेलेबल. अगर आप सिर्फ नॉर्मल अपनी सीवी दे आओगे उसके बाद पे अवेलेबिलिटी नहीं लिखोगे, देन उसको वो जो कष्ट होता है ना कि कॉल करके पूछना आप कब फ्री हो क्या हो, वो सारी चीजें वो एलिमिनेट हो जाता है. और मे बी देर आर हायर चांसेस कि आपको पहले हायर कर ले बिकॉज यू हैव रिटन इट वेरी क्लियरली कि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकोमोडेशन. ठीक है, आयरलैंड का अकोमोडेशन इज बूमिंग हाई. ठीक है, अब ऐसा नहीं है, पहले तो मुझे लगता था सिर्फ आयरलैंड का ही इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है. अभी मैं लेटली यूके गया था अपनी एक ट्रिप के लिए, अगर आप मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं करते वो भी जरूर फॉलो कर लेना, मैं उस पर मोस्टली लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ. तो यूके गया था, वहां पे भी मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई रेंट कैसे, तो वो कहते हैं भाई रेंट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. मेरा एक फ्रेंड है वो कनाडा में रहता है, मैंने उससे पूछा इज लाइक रेंट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. एक मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, also rent is very expensive and similarly Ireland में भी rent is very expensive. ठीक है, वो बहुत अलग time था जब 2019 में मैं आया था. I don't know क्या टाइम चल रहा था उस टाइम पे. व्हेन आई यूज्ड टू से इन द वीडियोस आल्सो मैं दोस्तों को बताता कि 345 यूरो पर मंथ देता था, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी या कुछ मिलाते भी थे तो मैक्सिमम 400 यूरो में आई हैड अ डबल बेडरूम अपार्टमेंट, बड़ा सा रूम जो मतलब टेबल है, अलमीरा है, वॉशरूम, चलो वॉशरूम कॉमन नहीं था, वॉशरूम कॉमन था, मेरा पर्सनल नहीं था, बट लेकिन 400 यूरो में एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड. बट 400 यूरो में इस वक्त घर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर आपको मिल जाए तो सल्यूट है भाई कि उस घर को छोड़ना मत, क्योंकि घर ढूंढने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है. क्योंकि अगर आप यहाँ के न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो करोगे, आयरिश टाइम हो गया, मिरर हो गया और गार्डियन हो गया, ऐसे भी तरह तरह के और भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कीप बीइंग अपडेटेड अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड इन आयरलैंड. आप वीडियोस देखते हो उसके थ्रू देखते हो और आर्टिकल्स पढ़ते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी इफ़ यू आर कमिंग टू आयरलैंड. तो उसमें भी बेसिकली यहाँ पे ना एक डिबेट चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम विच इज़ अबाउट अकोमोडेशन क्राइसिस, कि लोगों के पास सोने तक के घर नहीं है. पीपल आर लिटरली रेंटिंग देयर काउचेस, कि अपने काउच को रेंट कर रहे हैं कि काउच पे सो जाओ एंड पे अस 300 यूरो. एंड जस्ट इमेजिन यू वोंट लाइक टू स्टे इन अ काउच और जस्ट पे 300 यूरो जहाँ पे आप किसी घर का पार्टी नहीं हो, यू डोंट हैव योर ओन पर्सनल स्पेस. अगर आपको अपना ऐसा पर्सनल स्पेस चाहिए कि यार मुझे एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, जब मैं अपने अभी सोचा है मैंने पहले दो पॉइंट सुन के यार मुझे डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि अगर आप सही में स्टूडेंट हैं और इन चीज़ों में आगे जाना चाहते हैं, चेक आउट एम्बर स्टूडेंट. ठीक है, एम्बर स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होते हैं दैट इज मेड विद द माइंडसेट कि स्टूडेंट अगर यहाँ पे आएगा तो उसको क्या क्या बेसिक नीड्स होंगे और उसको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. ठीक है, अगर एक स्टूडेंट आता है उसको अपना पर्सनल रूम चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और साइलेंस चाहिए अपनी टेबल पे बैठ के काम करने के लिए, तो आपको अपना एक पर्सनल रूम मिलता है, आपको अपनी एक टेबल चेयर मिलती है जहाँ पे आप बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, वॉशरूम शेयर करने की कोई दिक्कत नहीं है, कि आप अपना एक पर्सनल इंस्टीट्यूट वॉशरूम भी मिल जाता है. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू शेयर इज द लिविंग एरिया एंड द किचन, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज योर इंक्लूसिव, जिसपे आप पूरा पूरा ध्यान, स्पेशली जब आप एक साल की अपनी मास्टर्स करने आ रहे हैं या चार साल की अपनी बैचलर्स करने आ रहे हैं, उस टाइम पे यू कैन बी फोकस अपने उस पर. उसके साथ साथ इनकी अकोमोडेशंस में जिम भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, तो इन सब सारे खर्चों का भी आपको नहीं सोचना, क्योंकि ये सारे खर्चे भी अगर आप जिम जाना बहुत ज्यादा पसंद है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है उससे कट आउट करना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद इन देयर रेंट जो भी वो आपको बोलते हैं. बेस्ट होता है कि इफ़ यू हैव एनी थिंग इशू विद द अकोमोडेशन, क्योंकि दिस इज वॉट आई एम नॉट लाइकिंग, दिस इज वॉट इज इरिटेटिंग मी और माई नेबर इज डूइंग दिस, समथिंग इज डूइंग दैट, तो दे हैव दिस 24/7 असिस्टेंस एज वेल, जिसमें आप उनसे बात कर सकते हो कि हे आई गॉट दिस अकोमोडेशन बिकॉज ऑफ यू, आई बुकड इट फ्रॉम योर वेबसाइट एंड दिस इज वॉट आई एम फेसिंग एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और अगर आप यूके से भी देख रहे हैं, यूके में भी दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि यूके में भी इस वक्त का जो रेंट है दैट इज स्टीप हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट स्पेशली मेड फॉर स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. इनकी प्रॉपर्टीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेकआउट करना कि कैसी लगती है, अपने घर वालों को जरूर दिखाना कि ओके दिस इज हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स लाइक, एंड उसके बाद अपना एक वाइज डिसीजन लेना, क्योंकि इस वक्त अगर आप सोचते हैं कि यार मैं आयरलैंड आके मैं अपना घर ढूंढ लूंगा वहाँ पे जाके,
तो इश्यू हो सकता है। अगर आपको कोई नोन है जिसके घर पे आप पहले स्टार्टिंग के दिन थोड़ा शेयर कर रहे हो, विच इज स्टिल ओके, बट गेटिंग अ हाउस इज वेरी हार्ड। अगर आज के दिन मैं अपना घर छोड़ने का सोचता हूँ तो मैं कम से कम 2 to 3 months एडवांस सोच के घर छोड़ूंगा ये वाला, कि मुझे पहले एक घर और मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है PR ऑफ आयरलैंड, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस, जो एक ऐसी चीज है जो आई थिंक सबके माइंड में आती है कि यार जब हम बाहर जाएंगे व्हाट, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर इन्वेस्टिंग, क्या ऐसे चांसेस है कि हम वहाँ पे एक परमानेंट हो जाए, ताकि वी अर्न एंड वी कैन ऑल्सो सी की फ्यूचर में कि हम अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, हम अपनी फैमिली यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो PR इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली हर बंदे के दिमाग में आता है कि वी हैव टू गेट इट डन। सो PR का जो यहाँ का प्रोसेस है, विच आई फील इज काइंड ऑफ अ लेंथी प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ कि बहुत बेसिक में, जब मैं यहाँ पे आया था तो आई वॉज लाइक कि अच्छा एक साल की पढ़ाई है, फिर उसके बाद यू गेट द 2 years पोस्ट स्टडी वीजा, तो मैंने लगा 2 years की पोस्ट स्टडी वीजा है तो 2 years में तो मैं अपनी जॉब निकाल लूंगा आराम से, 2 years में मेरी जॉब हो जाएगी, 2 years में मेरा वीजा रेज हो जाएगा, क्रिटिकल स्किल वीजा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर चेकआउट करना है। और उसके बाद आफ्टर 2 years उसमें आपको अपना PR मिल जाता है इफ यू सर्व 2 years अंडर क्रिटिकल स्किल वीजा। क्रिटिकल नहीं मिलता, एक जर्नल स्किल भी होता है, अगर जर्नल स्किल मिल जाता है तो उसमें यू नीड टू सर्व अ पर्टिकुलर ऑफ 5 years, जिसमें आपको जाके एंड ऑफ द डे जाके PR मिल जाता है। बट टू गेट अ क्रिटिकल स्किल वीजा, टू गेट अ जर्नल स्किल वीजा, देयर इज अ फाइट, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक टाइम पे मेरी फाइट थी कि यार मेरी CV सेलेक्ट हो जाए, मुझे इंटरव्यू आ जाए, मुझे बस एक जॉब मिल जाए, पहली मेरी फाइट ऐसी थी। बट वेन यू स्टार्ट गेटिंग द जॉब्स एंड यू स्टार्ट गेटिंग द कॉल बैक्स फ्रॉम द रिक्रूटर्स एंड एवरीथिंग, देन योर सेकंड फाइट स्टार्ट्स कि ब्रो मैं क्रिटिकल स्किल में लाए हो जाऊं या मैं जर्नल स्किल में लाए हो जाऊं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैंने पब्लिक रिलेशन किया था, मैंने जैसे आपको बताया मेरी क्लास में जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ देम वर आयरिश, ठीक है, इंडियंस बिल्कुल भी नहीं थे मेरी क्लास में, मैं इकलौता इंडियन था वहां पे। मेरी क्लास में से सारे लोगों को कहीं ना कहीं पे PR मार्केटिंग और इन सब में जॉब मिल गई, एंड दे वर लाइक लिटरली हैप्पी, एंड आई वाज लाइक कि यार सबको मिल रही है मुझे क्यों नहीं मिल रही, और मुझे भी ऑफर आया बट फिर वो इतना अच्छा ऑफर नहीं था। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मेरी लोगों से मेरे क्लासमेट से बात हुई, देयर उनकी स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर डूइंग अ मास्टर्स यहाँ पे वर समवेयर अराउंड 22,000, ठीक है, 24,000, 28,000, बस इतने थाउजेंड्स में ही दे वर प्लेइंग समवेयर ऑन द राउंड, कोई भी 30 से अबव नहीं था, कोई भी 32 से अबव नहीं था। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज कि हमारी जो फाइट होती है यहाँ पे जॉब पाने की, और जो यहाँ के सिटीजन्स होते हैं या जो यूरोपियंस होते हैं या UK से होते हैं, उनकी फाइट में बहुत अलग है, ठीक है। उनको अगर आप उनसे एक्सपीरियंस पूछोगे कि हाउ इज द मास्टर एंड हाउ आर यू फीलिंग दैट यू हैव गॉट अ जॉब, तो दे विल बी रियली हैप्पी कि ओह दिस इज रियली गुड, लाइक द मास्टर्स इज ग्रेट, वी गॉट द जॉब एंड एवरीथिंग इज गुड। सिमिलर आपके साथ भी हो सकता है, बट लेकिन रिमेंबर द फाइट दैट वी हैव टू फाइट इज लाइक 30,000 का ब्रैकेट या 32,000 का ब्रैकेट। सो उस पे यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड कि कोर्स सिलेक्शन क्या होना चाहिए, स्टडी कितनी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात आती है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस डज काउंट, ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो फ्रेशर्स के लिए भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेशर्स हो गए तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, बट लाइक पर्सनली फीलिंग आई वॉज नेवर बीन सेलेक्टेड इन अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, और मेरे जितने भी दोस्त थे या जितने भी लोग आई नो, वेरी रेयर ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड इन द ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर बेसिकली कि अगर आप यहाँ पे हैं, यू आर अ फ्रेशर, तो यू आर फ्रेशर को एक स्टार्ट देने के लिए देयर इज अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। वैसे तो होता है अगर आप किसी भी उसमें सेलेक्ट होती है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि ग्रेजुएट प्रोग्राम का आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 years का होता है, एंड दे पे अ गुड सैलरी अराउंड 32 एंड अबव, तो आपका वीजा की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर देन दैट अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आई वुड से कि एक साल का एक्सपीरियंस सोच के आ रहे कि एक साल का एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे पर्सनली आई जनरली फील 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस इफ यू हैव, देन यू आर वेरी मच गुड टू गो। एंड एक्सपीरियंस एंड स्टडी के अलावा व्हाट आई फील इज लाइक द स्किल सेट्स, ठीक है, अगर आप आयरलैंड में हो, यू आर स्टडिंग, ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करने आए हो, तो बी वेरी अलर्ट कि मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई एम डूइंग लाइक स्पेसिफिक IT का कोई कोर्स, उसमें देन यू सर्च फॉर जॉब्स, एंड जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हो तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसमें पर्टिकुलरली वो स्किल्स लिखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्किल्स वी आर लुकिंग फॉर। तो यू नीड टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट, विच इज व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑन डूइंग सर्टिफिकेशन ऑन दोज पर्टिकुलर स्किल्स, बिकॉज इफ यू हैव दैट थिंग इन योर CV कि आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दैट, तब आपके और ज्यादा हाई चांसेस है। तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन योर मास्टर्स डिग्री कि मास्टर्स के लिए तो मतलब एवरीथिंग वुड गोना बी गुड। कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन वर्किंग एंड डूइंग समथिंग और द अदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। दिस इज द जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी, मैंने कुछ ऐसे मेकअप नहीं करा भाई, ऐसा होता है वैसा होता है, ये मैंने खुद फेस करा है, मेरे दोस्तों ने फेस करा है, और सच पहुंचाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ये कभी मैं पहली बार आयरलैंड आ रहा होता, और अगर ऐसा कोई मेरे सच सच सिंपल लाइन में बता दे कि भाई होता क्या है, I would have really appreciated that.
So if you are new to this channel, if you like this video, do like, share, comment and subscribe. If you are old to this channel and you are coming to Ireland or your friends are coming to Ireland, do share it with them as well. Till then, meet you guys in my next video. Peace out.